ब्रॉक लेसनर के बारे में और थर्ड टेंडल के बारे में बात करेंगे। आज क्या हुआ क्या नहीं, चलिए बात करते हैं। सब फर्स्ट स्क्रैलेट की जो कि ये मंडे नाइट हुआ था उसमें कैटन क्रॉस हार गए थे जेफ हार्डी से, और स्क्रैलेट है जो उनकी वाइफ वो हमें एनएक्सटी में नहीं देखने को मिल रही, और उनका डेब्यू होने वाला है रॉ में। अभी तक रॉ में उनका डेब्यू नहीं हुआ था, अभी रॉ में उनका डेब्यू होएगा बहुत जल्द। तो भाई हार गए कैटन क्रॉस जेफ हार्डी से और हारे गए। WWE ने प्लान किया था कि जेफ हार्डी जीतेंगे और हारेंगे कैरियन क्रॉस, ये प्लान किया था क्योंकि जो उनकी वाइफ है वो एनर्जी है, अगर वो एनर्जी नहीं रहेगी तो कोई एनर्जी उनको दे नहीं पाएगा और वो घड़ी हार जाएंगे। तभी तो भाई स्क्रैलेट नहीं देखने को मिल रही है इतने टाइम से, इतने समय से, अभी कभी देखने को मिलेगी ये भी नहीं मालूम किसका कुछ। आप कॉमेंट में बताइए आपको कैसा अच्छा लग रहा है, तो बहुत गलत लग रहा है, अच्छा नहीं देखने को मिल रही है और कैरियन क्रॉस घड़ी आज हारे, कमेंट में बताइए। तो भाई मैंने कल आपको बताया था कि WWE सुपरस्टार को काफ़ी रिलीज कर रही है और AEW और WWE के बीच में वॉर चालू हो रहा है कि बताया जा रहा है कि WWE उनका कॉपी कर AEW जो रेसलिंग को कॉपी कर रही है WWE के सब, और सब बुला रहे हैं WWE से AEW में आ रहे सब आधे से ज़्यादा जने। भाई देखना क्या होता है, अभी कोरोना के चलते भी बहुत जने मतलब रिलीज किए जा रहे कोरोना के चलते, और अभी लॉकडाउन भी लग सकता है उधर, इन लोग जिधर WWE कराते उधर भी लग सकता है लॉकडाउन, और काफ़ी सुपरस्टार को WWE वापस और रिलीज करेगी। चलिए वैसे अभी हम लोग बात करेंगे वॉर की, WWE एंड AEW वॉर। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे जो कि आ रही है कि AEW है ना वो WWE का कॉपी कर रही है, और WWE के सुपरस्टार अपने पास AEW में बुला रही है क्योंकि AEW में हद से ज़्यादा चले गए किस गेरी को और ये ट्रीमेंट ब्रोस यानी जॉन मॉक्सली, हालांकि कितने जने जाएंगे, और ये क्या बोलते हैं मैक हार्डी लेस्टर ब्लैक ये भी चले गए भाई। तो भाई हम लोग अभी बात करेंगे थर्ड एंगल के बारे में। थर्ड एंगल को AEW से बुलावा आया था, अभी क्या वो AEW में जाएगी क्या नहीं ये नहीं मालूम, कि बोला है कि वो अभी साइन करेगी ट्रंक रेड या नहीं, दो तीन दिन में न्यूज़ आएगी। तो भाई जो AEW से बुलावा आया था थर्ड एंगल को, आपको तो मालूम है थर्ड एंगल जो कि WWE में देखने को मिलते थे उनने अभी रिटायरमेंट रह लिए WWE से, अभी वो WWE में नहीं दिखते, तो अभी वो AEW में जाने वाले हैं क्या नहीं ये भी नहीं मालूम, CM Punk भी जाने वाले हैं, कॉमेंट में बताइए कितने जने जा रहे हैं। तो भाई अभी बात करेंगे ब्रॉक लेसनर की, क्या ब्रॉक लेसनर ने WWE को छोड़ दिया है। तो भाई ये बताई जा रही है न्यूज़ बताई जा रही है कि WWE को छोड़ दिया ब्रॉक लेसनर ने, और उन्होंने कौन से दूसरे कंपनी में साइन कर लिया रेसलिंग के, क्या फिर वो AEW के साथ साइन किया है कि कौन से रेसलिंग के साथ साइन किया है ये नहीं मालूम, साइन कर लिया है अलग रेसलिंग के साथ। मैंने कल आपको भी बताया था कि वो आएगी WWE में, लेकिन हम उन्होंने अभी छोड़ दिया WWE को, अभी वो जा सकते AEW या कौन सी दूसरी कंपनी में या कौन सी अच्छी कंपनी में चले गए, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट है ना जो वो साइन भी कर लिया है बस। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया दूसरी जगह, भाई बहुत गलत लगा, इधर ही WWE में रहते तो अच्छा रहता, भाई बहुत गलत हुआ। चलिए भाई मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर। मेरे चैनल को फॉलो करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल पर अगर न्यू वीडियो देखनी फॉलो करना, लाइक करना, बाय बाय एंड टेक केयर, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो।